नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में बल्ली गांव में एक परिवार के द्वारा रास्ता रोके जाने का मामला सामने आया है। हुआ यूं कि दो परिवारों में घर के साथ जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े के बाद एक परिवार ने रास्ते को बंद कर दिया और रास्ते को बंद करने के लिए पक्की ईंटों से दीवार तक बना दी, जिस कारण लोगों की गाड़ियां घरों में बंद हो गई हैं। वहीं रास्ता बंद होने के चलते आज एक गर्भवती युवती को अस्पताल पहुंचाने में भी दिक्कतें पेश आईं, क्योंकि गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी लेकिन रास्ता बंद होने के चलते गाड़ी आवाजाही नहीं कर सकी, जिस कारण पैदल ही 1 किलोमीटर चलकर बड़ू में पहुंचना पड़ा है। वहीं शहर के वार्ड नंबर 11 के अंतिम छोर पर बसे हुए गाँव बल्ली में इस तरह लड़ाई के बाद रास्ता बंद किए जाने पर ग्रामीणों में गहरा रोष है। बल्ली गांव के निवासी दीप कुमार सपुत्र रामसरूर ने बताया कि रास्ते के पास बनाए गए टैंक में छेद कर दिए जाने के बाद सारा पानी खेत में जा रहा था और इसी के चलते झगड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत पुलिस थाना में भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि बहन घर में रह रही थी और गर्भवती है और आज उसे अस्पताल पहुंचाना था लेकिन गाड़ी के लिए रास्ता तक ना होने के चलते पैदल ही बड़ू तक पहुँचना पड़ा है, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या था आपका रास्ता बंद हुआ है? सर हुआ ऐसा है कि इन्होंने इधर ऊपर रास्ते में टैंक बनाया और उसको उसमें डाले प्लास्टिक की टैंक की, उसको उन्होंने छेद कर दिए और वो हमारा जो खेत है वो 5 फुट नीचे है और इनका जो है 5 फुट ऊपर है, तो इन्होंने वो बनाया और कच्चा खड्डा दिया, उसमें टैंक की डाली 1000 लीटर की, उसमें छेद कर दिए और वो सारा छेद करके वो पानी निकलेगा हमारे खेत में। हमने अपनी बाउंड्री लगा ली है तो इसलिए उन्होंने झगड़ा किया हमारे साथ और हमारा रास्ता बंद कर दिया। अगर अब हमने इनको रास्ते के लिए खोलने के लिए बोला तो ये हमारे ऊपर हमला कर दिया उन्होंने, ये बात हुई। और हमने अपनी बहन को बुलाया हुआ घर में, जिससे बच्चा आना है तो हमारे रास्ता बंद कर दिया, तो हमें इतनी प्रॉब्लम है कि अब बहन को ले जाना है तो पैदल ले जाना पड़ेगा बड़ू तक, तो ये परेशानी। और कमेटी भी मौका दे के गई है, उन्होंने भी इनको बोला कि ये गलत काम है, अब रास्ता खोलो। और पंचायत के भी 4 आदमी आए थे, उन्होंने भी यही बोला कि आप गलत कर रहे हैं और ये रास्ता जो है खोल दो, कहना बाकी यहाँ लड़ाई कुछ भी नहीं है। ये बोलते हैं पानी बंद किया, हमने कोई पानी बंद नहीं किया है किसी का, हमने अपने खेत में इनका पानी अपने खेत में लिया है। अब क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड ये है कि हमारा रास्ता खुलना चाहिए और कमेटी से भी हमारी अरदास है कि हमारा रास्ता खुलवाए और सरकारी कमेटी ने बनाया हुआ है ये रास्ता। महिला रोशनी देवी ने बताया कि मेरी बेटी गर्भवती है और अस्पताल पहुंचाना है लेकिन गाड़ी घर के आंगन में खड़ी है और रास्ता बंद होने के चलते दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे नगर परिषद में भी शिकायत की है और कमेटी में भी उन लोगों को नोटिस दिया है लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खोला गया है, जिससे समस्या काफी बढ़ गई है। उन्होंने मांग की है कि जल्द रास्ते को खुलवाया जाए। सुदर्शन जी, क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? ये सर, हमने अपनी लड़की को छोड़ा, हमारा जवाई जी हो वो दूर के हैं तो उनको प्रॉब्लम ये है कि उनके पास गाड़ी नहीं है, हमें नज़दीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि मम्मी आप यहाँ रख लो फिर बाद में हम देख लेंगे। तो मैं लाई हूँ अब शाम की, ये कुछ ढीली है थोड़ी, कल भी हमने आदमी बुलाकर इनसे एक बात की तो इन्होंने रास्ता नहीं खोला, इन्होंने कहा कि हमने नहीं खोलना रास्ता। अब मेरे को दिक्कत हो रही है, मैंने लड़की नहीं ली तो मैं गाड़ी करूंगी तो इसको लेकर जाऊंगी। और ये रूपा मस्ता सुभाष शोक लता सुमना, इन्होंने हमारा रास्ता बंद किया हुआ है। आपने किसकी कंप्लेंट की? क्या हमने इन सब की कंप्लेंट की है कमेटी में। क्या जवाब मिला वहाँ से? जवाब कमेटी भी मौका देकर गई थी, उन्होंने कहा कि नोटिस दिया उनको, उनसे जवाब मांगा था तो अब कमेटी ने भी उन्होंने कहा था कि देखते हैं नोटिस इनको आया है तो अब हमारा रास्ता तो खुला, नहीं तो मेरे को तो सुबह की दिक्कत हो रही है ना, अकेली जनाना मैं क्या कर सकती हूँ। हमीरपुर नगर परिषद के ईओ केएल ठाकुर ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में एक परिवार के द्वारा रास्ता बंद करने की शिकायत के बाद मौके पर 2 कर्मचारियों को भेजा था और इस बारे में जानकारी जुटाई है। उन्होंने बताया कि रास्ता रोकने वाले परिवार को नोटिस दिया गया है और अगर जवाब नहीं दिया जाता है और रास्ता नहीं खोला जाता है तो नगर परिषद उस परिवार पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। वार्ड नंबर 11 में जो रास्ते की शिकायत है, इसमें हमने अपने जो हमारे कार्यालय के कर्मचारी है, मैंने उनको भेजा था, जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने वहाँ पर मौका देखा और पाया कि कोई
दूसरे शिकायतकर्ता के साथ जो मकान है उन्होंने रास्ता रोका है, ईंटों की चिनाई कर रहे थे, तो उसके उनको वहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वो कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो उनके प्रति अगली कार्रवाई हम अमल में लाएंगे।